हेलो एवरीवन, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनआईए के बारे में। एनआईए कहां कहां इन्वेस्टिगेट कर सकती है और एनआईए को क्यों बनाया गया है ये देखेंगे। फॉरेन में क्या इंडियन सिटीजन को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है एनआईए के द्वारा, क्यों एनआईए को इतनी पावर प्रोवाइड की गई है, ठीक है, ये देखेंगे। दूसरा हम आर्टिकल देखेंगे पूरा मिलेट से रिलेटेड, मिलेट का ए टू जेड देखेंगे कि मिलेट का प्रोडक्शन कैसे होता, कहाँ होता, और नॉर्थ ईस्ट मानसून देखेंगे और साइक्लोनिक एक्टिविटी देखेंगे। क्यों साइक्लोन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है, अक्टूबर हीट का साइक्लोन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अल नीनो ला नीना कैसे इम्पैक्ट डालती हैं साइक्लोन पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर बटन दबा दें। देखो पहला आर्टिकल है एनआईए से रिलेटेड, एनआईए क्रैक डाउन ऑन आईएस मॉड्यूल इन टू स्टेट। देखो आईएस मॉड्यूल का मतलब ये है जो इस्लामिक स्टेट है उससे रिलेटेड आर्टिकल है कि कैसे वो टेररिस्ट एक्टिविटी फॉरेन में फैलाता है और आम लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। तो एनआईए ने क्या किया है उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों को दोषी पाया गया है, मतलब शक के आधार पर उन्हें पकड़ा गया। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि एनआईए कब स्टेबलाइज हुई और क्या क्या एनआईए का वर्क होता है। देखो एनआईए के बारे में हम थोड़ा सा इस डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एनआईए जो है वो एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। जैसे क्या होता है, जैसे क्या हुआ 2008 में जो बॉम्बे में क्राइसिस इमर्ज हुआ, उस टेरर अटैक के बाद जो बॉम्बे में ताज होटल पर अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। ये मेनली क्या करती है, जो ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं इसके द्वारा वो ऑफेंसेस सॉवरनिटी से होते हैं, सिक्योरिटी से होते हैं और इंटीग्रिटी से होते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारी सॉवरनिटी है, हमारी संप्रभुता है, उस पर कोई अटैक ना कर पाए, हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर कोई ना अटैक कर पाए, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब भाईचारा और हमारी जो ट्रुथफुलनेस है उस पर कोई अटैक ना कर पाए। तो मेनली इसमें बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व किए जाते हैं, शेड्यूल ऑफेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कौन से शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं। अब देखो क्या क्या ये इंक्लूड करता है। देखो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, मतलब किसी फॉरेन स्टेट से हमारे फ्रेंडली रिलेशन है तो उस केस में इसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई टेररिज्म अटैक करना चाहता है एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, कोई स्मगलिंग कर रहा है आर्म्स का, ड्रग का, फेक इंडियन करेंसी बना रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूड करता है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा कभी कभी एनआईए के द्वारा पूछा जाएगा, सीबीआई के द्वारा पूछा जाएगा, बहुत माइन्यूट सा इन चीज़ों में डिफरेंस होता है। देखो सीबीआई मेनली क्या करता है, करप्शन के केसेस लेता। आप कभी भी देखेंगे सीबीआई को करप्शन के केसेस, क्राइम के केसेस, कोई कहीं पर मर्डर हो गया उसके केसेस लिए जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सीबीआई। ऐसे ही एनआईए क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे एक 2008 के एक्ट के दौरान बनाया गया था, और इसके द्वारा क्या क्या केसेस लिए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपकी एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई अटैक करता है, आर्म को स्मगल करता है, ड्रग को स्मगल करता है और फेक इंडियन करेंसी बनाता है तो इसको संज्ञान में लिया जाता है। देखो आगे क्या बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेचुटरी लॉ इनेक्टेड टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो एग्रीमेंट थे और कन्वेंशन थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक स्टेचुटरी लॉ बनाया गया। मैंने आपको पहले भी बताया गया है स्टेचुटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या डिफरेंस है। देखो स्टेचुटरी बॉडी वो होती हैं जो किसी लॉ के थ्रू बनाई जाती हैं, उसका लॉ में जिक्र दिया गया है और लॉ में ही उसका संज्ञान लिया जाता है कि कैसे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, किसी आर्टिकल में उस बॉडी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिक्र है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, उसमें लॉ कुछ नहीं होता, जब भी एग्जीक्यूटिव की मर्जी होती है वो इसको बना देते हैं। तो इस तरह से एनआईए क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये
कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2008 में, मैंने बताया जैसे बॉम्बे में अटैक होने के बाद ताज होटल पे, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया, ये टेरर से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल कर दिए। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, इसको कोई भी टेरर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टेट के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखा होगा आपने CBI के द्वारा क्या है, एक कंसेंट ली जाती है स्टेट से, ठीक है, जिसे जनरल कंसेंट कहते हैं। अगर स्टेट जनरल कंसेंट नहीं देता है तो CBI के द्वारा केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। मगर अगर जुडिशरी किसी केस में कह देता है कि CBI इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी अंडर आवर सुपरविजन, देन CBI विल डिस्कस दैट केसेस। आर यू अंडरस्टैंड? बिकॉज CBI इज अ सेंट्रल एजेंसी, इट वॉज मेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी इसे बनाया गया है, तो इससे क्या होता है कि जुडिशरी ने भी इसे कहा है एक तोते की तरह वर्क करती है, क्या चीज़, CBI। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे CBI के द्वारा केसेस को टैकल किया जाता है, ठीक है। इसका देखो हेडक्वार्टर जो है आपको दिल्ली में मिलेगा, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था नवंबर 2008 में, इसमें क्या हुआ था कि उसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने NIA को बनाया था, यूनियन होम मिनिस्टर उस टाइम थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था NIA बिल 2008, ठीक है। यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि इसका जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ है। अब देखो इसमें एक जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड कंट्री। ये क्वेश्चन UPSC के द्वारा डाले जाने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डालता है क्या NIA के द्वारा फॉरेन में इंडियन सिटीजन पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही होगा वो, ठीक है। तो यही चीज़ बताइए, पर्सन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, ये सब क्या पर्सनशिप, मतलब कहीं भी किसी के द्वारा टेरर रिलेटेड एक्टिविटी, हमारी सॉवरनिटी को उल्लंघन, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को उल्लंघन करने की एक्टिविटी पाई जाती है, उस केस में क्या किया जाता है, NIA के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और शेड्यूल ऑफेंसेस में भी NIA के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जैसे आप देख लो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल, मैंने बताया ना टेरर रिलेटेड एक्ट, हाईजैक करने से रिलेटेड, अनलॉफुल एक्टिविटी से रिलेटेड, ये सब जो है इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ NIA का बेसिक बता दिया, कब स्टेबलाइज हुई, किन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टेट की कंसेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ये चीज़ हमने देखी। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो BSP के दानिश अली जो MP हैं अमरोहा से, उनको सस्पेंड कर दिया गया, एंटी पार्टी एक्टिविटी, क्योंकि रिसेंटली वो कांग्रेस के लीडर से मिले थे, राहुल गांधी जी से, तो उसके बाद क्या किया गया, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया उनकी पार्टी। देखो सस्पेंशन में होता क्या है, सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता कि आपकी सदस्यता चली जाएगी, सस्पेंशन में क्या होता है, अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और स्पीकर के द्वारा किसी भी एंटी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी के द्वारा उन्हें सस्पेंड किया गया है, कोई भी आप एंटी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप बहुत हो हल्ला कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पैम्पलेट दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेशन को अच्छे से चलने नहीं दे रहे, तो उस केस में क्या कर सकता है स्पीकर, जो है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लोकसभा वो किसी भी MP को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो इस सस्पेंशन में क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा जब सस्पेंड किया जाता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए किया जा सकता है, मे बी ये एक सेशन के लिए हो सकता है, मे बी दो दिन के लिए हो सकता है, मे बी तीन दिन के लिए हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया है MP, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार वर्क करता रहता है। आपको पता होगा, आप आर्टिकल 122 को जरूर ध्यान से पढ़ लेना, आर्टिकल 122 मैं आपको कल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आर्टिकल 122 क्या होता है, इसके अंदर MPs के द्वारा जो लेक्चर दिया जाता है, MP के द्वारा जो स्पीच दी जाती है पार्लियामेंट में, उसे जुडिशरी में इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। तो ये जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम का कभी कभी MP के द्वारा मिसयूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा हो हल्ला किया जाता है, इसलिए स्पीकर उसमें संज्ञान लेते हैं और स्पीकर के पास ये सोल राइट होता है। अब दानिश अली को पार्टी के द्वारा सस्पेंड किया गया, तो पार्टी के द्वारा सस्पेंड किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी लिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड करती है, उसकी एक्टिविटी के आधार पर और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लगा
लगातार वर्क करता रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिलेटेड है। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिलेटेड आर्टिकल है, मैं अगर आपको पहले बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो मानसून वर्ड होता है मेनली यूज वो साउथ वेस्ट मानसून के लिए होता है। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, आप अगर साउथ वेस्ट मानसून देखेंगे तो यहाँ पर नीचे कहीं इक्वेटर पड़ेगा, ये इक्वेटर से हवाएं चलती हैं, ऐसे यहाँ से हवाएं ऐसे चलने के बाद ये ऐसे टिल्ट हो जाती हैं इंडिया की तरफ। और ये टिल्ट होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, वन ऑफ द मेन रीज़न होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, नॉर्थन हेमीस्फीयर में हमारी हवाओं को जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देता है और राइट डायरेक्शन में मूव कर देता है, जबकि साउथर्न एरिया में साइक्लोनिक एक्टिविटी को वो क्लॉकवाइज घुमाता है और जो हवाएं हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो देखो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से मूव होता है। अदर रीजन क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हैं तो ये रीजन अगर ऑस्ट्रेलिया आप समझ ले रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, उस टाइम बहुत ठंड पड़ती है तो ये हाई प्रेशर एरिया होता है। तो आपको पता होगा इंडिया का जो ये तिब्बतन प्लेटू है ये बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, क्योंकि ये प्लेटू होता है पत्थर से बना, तो इसकी वजह से क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो कुछ हवाएं ऐसे जाती हैं, कुछ हवाएं ऐसे जाती हैं, कुछ हवाएं बे ऑफ बंगाल से जाती हैं। तो जून से सितंबर के टाइम तक क्या होता है, ये हवाएं चलती हैं और इसके पार्टिसिपेशन में बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे अल नीनो एक रीज़न होता है, ला नीना एक रीज़न होता है। ये सब चीज़ें बहुत बहुत बड़े टॉपिक हैं, मैं एक एक करके पहले भी डिस्कस किए, इन फ्यूचर भी डिस्कस करूंगा। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट मानसून पर आता हूं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर की हीट की वजह से क्या होता है, हमारा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन रीजन बहुत गर्म हो जाता है। आपको एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्या होता है जब साउथ वेस्ट मानसून हमारा निकल जाता है मतलब ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर में वेदर कंडीशन एकदम क्लियर होती है बे ऑफ बंगाल के रीजन में, मतलब हमारे एशिया के मेजर रीजन में। अब जब ये क्या होता है, जब ये आसमान क्लियर होता है तो हीट जो है डायरेक्ट समुद्र पर पड़ती है। तो इस हीट का असर क्या होता है कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है उसकी हवाएं तब्दील हो जाती हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया आ जाता है ठंड की वजह से और यहाँ पर साउथर्न इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर एरिया आ जाता है ड्यू टू अक्टूबर हीट। अब ये हवाएं जो होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाती हैं, क्योंकि ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से निकलती हैं और हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में बहुत ज़्यादा रेन कराती हैं। तो ये अक्टूबर हीट क्या करता है, बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है और इस साइक्लोनिक एक्टिविटी से क्या होता है कि ये रीजन बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वाला हो जाता है, मतलब यहाँ पर रेन होने लगती है। तो यही रीजन है कि साइक्लोन कैसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फॉर्म होते हैं। आप सोचेंगे साइक्लोन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्यों फॉर्म होता है, इसके वन ऑफ द मेन रीज़न यह है कि आपको आसमान क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल हीट जो है समुद्र पर पड़ेगी, 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है समुद्र का, और उसकी वजह से क्या होता है नॉर्थन हेमीस्फीयर पे हमारे कोरियोलिस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में साइक्लोन मूव करता है और इक्वेटर के नीचे जो है साइक्लोन वो मूव करता है हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो ये चीज़ नॉर्मल सी चीज़ मैंने बता दी कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे वर्क करता है, कैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून वर्क करता है। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो मेनली बारिश कराता है वो तमिलनाडु रीजन में कराता है। पूरे साल का जो रेन होता है अप्रॉक्स 48% रेन जो है तमिलनाडु में वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है और होल कंट्री को अप्रॉक्स 68% या फिर 75% जो रेन है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है। तो ये डिफरेंस है हमारे इंडिया में, इन्वायरमेंट जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी है उसी की वजह से हमारे मतलब जैसे इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है उसी की वजह से हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो आपको मैं बता रहा था नॉर्थ ईस्ट मानसून 20 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो जाता है लगभग, और ये साउथ वेस्ट मानसून के जाने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, कभी कभी ये डिले भी हो जाता है। अब मानसून के बारे में इन्होंने बताया, देखो इन्होंने कहा है जो वर्ड में जनरली मानसून वर्ड यूज़ होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में जो बारिश होती है, मैंने आपको बताया ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बारिश होती है वो 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में होती है, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में होती है, ठीक है। इस साउथ वेस्ट मानसून में इंडिया में 75% कंट्री की ओवरऑल रेन होती है, जिसे जून और सितंबर में होती है।
होती है। मैंने आपको बताया ये कि कैसे साउथ वेस्ट से निकलकर ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर, कोरियोलिस फोर्स, अलनीनो, लानीना, ये सब इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक खासियत है साउथर्न पेनिनसुला, साउथर्न टिप पर बहुत बारिश कराता है, इसे विंटर मानसून भी कहते हैं। आप जानते हैं आजकल ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है, तो साउथर्न एरिया इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर के पास है तो वो गर्म रहता है, तो गर्म रहता है तो अक्सर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगी। चेंजिंग विंड पैटर्न क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून कंप्लीट विड्रॉवल कर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। साउथ वेस्ट से जो विंड पैटर्न है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हो जाता है, मैंने आपको ऊपर समझाया। साइक्लोनिक एक्टिविटी अक्टूबर से में बहुत बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया कैसे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, अक्टूबर हीट की वजह से डिप्रेशन हो जाता है और यही क्या कहलाता है, यही जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून में रेनफॉल कहलाता है। ग्लोबल क्लाइमेट पैरामीटर क्या होते हैं, इसमें अलनीनो पार्टिसिपेट करता है और इंडियन ओशियन डाइपोल पार्टिसिपेट करता है। आपको ये पता ही है लानीना और अलनीनो के क्या इफेक्ट होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में अलनीनो लानीना और मैं ये पूरा आपको समझा दूंगा, बहुत लंबा टॉपिक है, मैं विद इन 15 मिनट ये समझा दूंगा। अब मेन रीजन क्या होता है जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून बारिश कराता है, मेन रीजन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का ये तमिलनाडु, कैरिकल, यमन, कर्नाटका, माहे, लक्षद्वीप यहां पर होता है, मगर आप जान लीजिए 48% जो तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। देखो यहां पर वही बात बताई गई है कि कैसे विंड पैटर्न रिवर्सल हो जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो विड्रॉवल कर जाता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर एरिया, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू अलनीनो और ड्यू टू अक्टूबर हीट। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है मेडिटेरियन रीजन में, उस मेडिटेरियन रीजन से हवाएं चलती हैं तो हाई प्रेशर से जो कूलिंग हवाएं हैं वो एशिया की साउथर्न टिप की तरफ चलती हैं, मूवमेंट ऑफ एयर मासेस हो जाता है, लैक ऑफ मॉइस्चर। अब इन्होंने क्या बताया कि साउथ वेस्ट मानसून में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जबकि आप नॉर्थ ईस्ट मानसून में देखेंगे तो लैक ऑफ मॉइस्चर होता है। आपको इस कंडीशन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, अब मान लो यहाँ पर मेडिटेरियन रीजन में हाई प्रेशर है, अब यहाँ से हवाएं चली तो ये क्या करेंगी, ब्लैक सी से वाटर लेती हुई आएंगी, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएंगी, बे ऑफ बंगाल से पानी उठाएंगी ये हवाएं, और ये हवाएं यहाँ से पानी उठाती हुई ये हमारे साउथर्न टिप पे बारिश कराएंगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कैसे मॉइस्चर का कमी होने की वजह से इसे लैक ऑफ मॉइस्चर रीजन कहा जाता है। तो समराइज क्या कर सकते हैं, समराइज हम यही कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न की वजह से होता है, इसमें हाई प्रेशर एरिया सिस्टम ओवर एशिया डेवलप हो जाता है, कूल और ड्राई टूवर्ड इंडियन ओशियन होता है। ठीक है, अगला आर्टिकल मिलेट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी रिसेंटली क्या किया गया, इंडिया ने लॉन्च किया 5-day फेस्टिवल मिलेट से रिलेटेड इंडोनेशिया में। ये किसके मतलब अध्यक्षता में किया गया, जो हमारे आसियान ब्लॉक है उसकी अध्यक्षता में ये किया गया था। देखो फाओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, इन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट करार दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप 2023 को मिलेट का ईयर डिसाइड कीजिए ताकि जो डाइट्री फाइबर हैं, जो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं मिलेट के, वो सबको, वर्ल्ड को और पूरी दुनिया में उससे अवेयरनेस हो पाए और एजुकेशन के कैरिकुलम में वो आ पाए। तो मिलेट क्या है, एक न्यूट्रिटिव क्रॉप है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती हैं, हाई प्रोटीन होता है, डाइट्री फाइबर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये इसका एग्रोनॉमिक कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, ड्राउट रेजिस्टेंस होता है और सेमी एरिड एरिया और एरिड एरिया में ईजिली मिलेट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। देखो मिलेट के जो दो ग्रुप होते हैं, एक मेजर मिलेट होता है, एक माइनर मिलेट होता है। ठीक है, मेजर मिलेट में सॉर्गम आ गया, पल्स मिलेट आ गया, फिंगर मिलेट आ गया और जो माइनर मिलेट है कोडू, पुरसो, ये लिटिल मिलेट, ये सब आ जाता है। ठीक है, अब इंडिया में मिलेट की जो रिलेटेड है वो उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस लोगों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप YouTube पर अक्सर देखेंगे लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके YouTube पर ज़रूर देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोटीन है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हमारी हाइट को, वो हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकता है।
ठीक है, इससे क्या होगा, रिवाइवल होगा हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, और स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी कॉमर्शियल क्रॉप को नहीं उगा सकते, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये ऑर्गेनिक क्रॉपिंग के थ्रू स्मॉल स्केल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँच सकता है। इससे पब्लिक हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है और ये हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रमोशन में भी बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। अब इन्होंने आगे क्या बताया कि मिलेट को क्यों इम्पॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल क्रॉप कहा जाता है। देखो, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है ये क्लाइमेट रेजिलिएंट स्टेबल फूड क्रॉप है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्या होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है। आप किसी भी जो कम पानी वाला एरिया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर बारिश तो ज़्यादा होती है मगर यहाँ की सॉइल ऐसी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, जहाँ पर पानी इजीली टिकता नहीं है, झट से नीचे चला जाता। तो उस केस में क्या होता है, जो मिलेट जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप हैं, जैसे तुम्हारा सोरगम हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा कॉटन हो गया, तुम्हारा ये ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप आपको बता रहा हूँ, ये सोयाबीन हो गया, ये इजिली हो जाते हैं। तो मिलेट भी ये वन ऑफ द मेन ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है। मिलेट नीडेड वेरी लेस वाटर, मिलेट को बहुत कम वाटर चाहिए होता है और ये बहुत पुअर कंडीशन में भी ग्रो हो जाती है। न्यूट्रिशन में तो रिच होता ही है, आपको पता ही है, इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बहुत पाए जाते हैं। ग्लूटेन फ्री होता है। देखो, ग्लूटेन क्या करता है, ये छोटी आंत में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन कर देता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, आपकी आंतों में स्वेलिंग होगी, पेन होने लगेगा। तो मेनली जो हम वीट और राइस खाते हैं, इसमें ग्लूटेन अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो क्या होता है, जब हम मिलेट को लेते हैं तो मिलेट क्या होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। इससे क्या होता है, जो सेलिक डिजीज़ होता है, इसके खतरे कम हो जाते हैं, जो ग्लूटेन इनटॉलरेंट बन जाती है, ठीक है। एडप्टेशन हमने डिस्कस ही कर लिया कि कैसे सॉइल और क्लाइमेट चेंज में अडप्ट कर लेती है। सस्टेनेबल आपको पता ही है, जब इसमें क्या होगा, हम ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्गेनिकली उगाएंगे, क्रॉप में बहुत कम टाइम लगेगा, तो ये सस्टेनेबल ऑब्वियस सी बात हो गया। देखो, यहाँ पर इन्होंने मिलेट बताया क्या होता है, ये नंबर ऑफ स्मॉल सीड्स होते हैं जो एनुअली ग्रो होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, ठीक है। सबसे पहले मिलेट के प्रमाण आपने पढ़े होंगे वारले के आपने पढ़ा होगा कि वारले जो है वो इंडस सिविलाइजेशन में मिला था। तो सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ग्रेन का जो यूज़ हुआ था वो मिलेट ही यूज़ हुआ था, जिसका डोमेस्टिफिकेशन हुआ था। नाउ 131 कंट्री में मिलेट का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड का मिलेट का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया में 20% होता है। मान लो अगर ग्लोबली 100 किलोग्राम प्रोडक्ट हो रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसमें से 20 किलोग्राम इंडिया में ही हो रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। और एशिया का 80% जो है इंडिया में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंडिया, नाइजीरिया और चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मोर देन 55% वर्ल्ड ग्लोबल प्रोडक्शन का यहीं पर होता है, ठीक है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेट का प्रोडक्शन का बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से जान लो कि इंडिया में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था किसी टेस्ट सीरीज में, मैंने पढ़ा था कि इंडिया में पिछले 10 सालों में मिलेट का प्रोडक्शन घटा है या बढ़ा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये टेस्ट सीरीज़ में पूछा हुआ है किसी, मैंने शायद बिजन की, पता नहीं किसी टेस्ट सीरीज में 2024 की देखा है, जिसमें बताया गया है कि मिलेट का 2010 से लेकर 20 तक प्रोडक्शन घटा है, उसको आपको करेक्ट करना है। अब क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, क्यों, क्या रीज़न है कि मिलेट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है और कंजम्पशन नहीं बढ़ पा रहा, ये आप अच्छे से जान लो। क्या होता है, मेंस में इससे रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं और प्रीलिम्स में तो आने की 100% उम्मीद रहती है। देखो, डिक्लाइन हो रहा है एरिया मिलेट का। देखो क्या होता है, हमारे मिलेट का प्रोडक्शन 35 मिलियन हेक्टेयर लैंड में था, अब ये 15 मिलियन हेक्टेयर लैंड में रह गया, ठीक है। तो इसका वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है, मिलेट कल्टीवेशन के कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या है, कि कल्टीवेशन एरिया डिक्लाइन हो रहा है। क्या रीज़न है कल्टीवेशन एरिया डिक्लाइन हो रहा, पहली बात लो यील्ड होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लो यील्ड होती है, मतलब वीट जैसे ये तो हाई वैरायटी सीड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इनके अंदर हाई वैरायटी यील्डिंग सीड है, इनके पास बहुत ज़्यादा वीट और राइस के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो क्या होता है, ये लो यील्ड होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेबोरियस टास्क होता है, मतलब इसको उगाना बहुत टफ होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे पानी लगाना पड़ता है, कभी खरपतवार आ जाती है, बहुत ज़्यादा घास आ जाती है, ठीक है।
मार्केट बहुत ज्यादा कम है क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो इसमें मार्केट नहीं है। वैल्यू एडेड प्रोडक्शन नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू एड नहीं की जाती है। जैसे मान लो मिलेट से आप यहाँ पर एक मुरमुंडा बना लो, गुड़ मिलाकर जो मुरमुंडा मिलता है, हमारी तरफ तो उसे मुरमुंडा बोलते हैं, तो ये आप अगर खाते हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप है। मगर इसमें कोई भी इसमें वैल्यू एडेड ही नहीं किया जा रहा है, वो सभ्यता चली आई है तो चली आई है। तो आपको ये पता होना चाहिए, पीडीएस में इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है मिलेट की, ये मैंने आपको बता दिया। लैक ऑफ अवेयरनेस हमने पहले ही डिस्कस कर ली, कैसे हेल्थ बेनिफिट में लोग वीट और राइस लगातार खा रहे हैं मगर मिलेट से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं है। कॉस्ट बहुत हाई होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है जब इसको हम उगाते हैं तो क्रॉप को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है, तो क्या होता है हाई कॉस्ट होता है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, क्या होता है ये इतना अवेलेबल नहीं होता है। देखो मार्केट में क्या होता है, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनका बोलवाला, और ये कंपनी वही क्रॉप का सीड्स देती हैं जिसमें इन्हें बेनिफिट होता है, तो इसीलिए ये वीट के सीड्स और राइस के सीड्स बहुत देती हैं। तो क्या होता है इससे, क्या होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर चैलेंजेस होते हैं, एग्रीकल्चर में लो यील्ड आती है, डिस्चार्ज होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे मिलेट के प्रोडक्शन में लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है, कैसे अवेयरनेस कम है। देखो कुछ ये इनिशिएटिव हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेशनल मिलेट मिशन बनाया गया था 2007 में, ये मेन रीज़न था इसका प्रोडक्शन बढ़ाना और कंजम्पशन बढ़ाना। प्राइस सपोर्ट स्कीम है जो कल्टीवेशन के लिए मिलेट के दी जाती है, वैल्यू एडेड प्रोडक्शन किया जाता है, प्रमोटिंग मिलेट पीडीएस में प्रमोट किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसे प्रमोट करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाएंगे, तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या है, एडिक्वेट पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को इसमें इंसेंटिव देना चाहिए, टाइम टाइम पे उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए, तो मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मिलेट का कल्टीवेशन में बढ़ावा देना चाहिए, पीडीएस में बढ़ावा देना चाहिए, मार्केट प्रोवाइड करना चाहिए, अवेयरनेस और एजुकेशन देना चाहिए, अवेलेबिलिटी अब एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए। तो यही सब चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, कैसे कोलेबोरेशन कर सकते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री के बीच, फार्मर्स के बीच, पर्संस के बीच। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइए, हम आपका हर हाल में सपोर्ट करेंगे अपनी आईडी के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।